सो वॉट्स गोइंग ऑन यूट्यूब माई नेम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द इंडियन टेब सो गैस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोपिंग इन जावा स्क्रिप्ट लाइक जावा स्क्रिप्ट में स्कोप क्या होते हैं कैसे कम करते हैं क्या इफेक्ट आता है उनसे उनका वेरिएबल्स पे बट बिफोर दैट अगर आप लोगों ने अगर द दे इंडियन टैब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो है ड्राइब टू द इंडियन टैब एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्कोपिंग लाइक वॉट इज स्कोप लाइक like हम लोगों ने बात कर ली है फंक्शंस की लाइक like मैंने एक फंक्शन बनाया है फंक्शन बनाया है लाइक ऐड टू नंबर्स सो गाइस स्कोपिंग का मतलब है कि अगर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है या कोई मेथड डिफाइन किया है तो उसका स्कोप कहाँ तक होगा मतलब वो कहाँ तक एक्सेसिबल होगा लाइक मैं यहाँ पर सबसे पहले फंक्शंस uh, से पहले मैं बात करता हूँ लाइक uh, like मैंने वेरिएबल um, बनाया वेर my name like Ayush uh, where well, age equals to 23 like this मैंने define कर दिया दो variable को define किया है अब मैं यहाँ पर अगर मैं जाऊँ यहाँ पर लिखूँ if uh, if age is, is, greater than 20 then मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने console dot कंस्रोल डॉट ब्लॉग लाइक माई नेम इफ़ तो इस कोड में मैं कहना चाह रहा हूँ अगर मेरी एज जो है ट्वेंटी से ज़्यादा हो uh, तो मेरा नाम यहाँ पर कंसोल कर दे तो मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ सो so ये देख सकते हैं उसने मेरा नाम कंसोल कर दिया आयुष सो बेसिकली क्या वो हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया था माई नेम जो हमने लाइक फाइल लेवल पर डिफाइन कर रखा है दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर रखा है एज तो एज यहाँ एक्सेसिबल है और माई नेम इस ब्लॉक के अंदर भी एक्सेसिबल है लाइक क्या हुआ यहाँ पर दो वेरिएबल जो डिफ़ाइन करते हैं वो पूरी फ़ाइल में लाइक पूरे फाइल में एक्सेसिबल हैं कहीं भी किसी भी स्कोप के अंदर क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं लाइक मैंने इनको किसी स्कोप के अंदर नहीं डाला है ये बाहर ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं और अगर मैं यहाँ इसको लिखता हूँ वेर फूड इक्वल्स टू लाइक पिज़्ज़ा और मैं यहाँ इसको कंसोल करा लूँ लाइक माई फूड पिज़्ज़ा सॉरी द वेरिएबल इज़ फूड सो अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ तो इसने पिज़्ज़ा और फूड आयुष और पिज़्ज़ा दोनों को कंसोल करा दिया क्योंकि आ, दोनों ही वेरिएबल्स इसके स्कोप के अंदर हैं तो हम अगर बात करें कि इस चीज़ की कि ये जो वेरिएबल फ़ूड है वो बाहर इसके एक्सेबल होगा या नहीं होगा लाइक like हमने डिफाइन किया है इस इफ स्टेटमेंट के अंदर तो इफ़ इस इस स्टेटमेंट के अंदर मैं डिफाइन किया है तो और उसको मैं बाहर कंसोल करना चाहूँ तो बार कंसोल होगा या नहीं का होगा यही कंडीशनस यही चेक्स कहलाते हैं स्कोपिंग इन जावा स्क्रिप्ट लाइक मैंने यहाँ कंसोल कराया और बूम से यहाँ पे कंसोल हो गया है बट द क्वेश्चन इज़ लाइक वेरिएबल तो मैंने इस इफ स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन किया था तो ये बाहर मुझे कैसे एक्सेसिबल है सो so गईज़ यहाँ पर डिफरेंस है स्कोपिंग में बेसिकली uh, जावास्क्रिप्ट uh, कैसे काम करती है जाबर स्क्रिप्ट कम करती है जैसे मैंने अगर किसी भी इसके अंदर वेर वेयर कीवर्ड से एक कीवर्ड डिफाइन किया है तो वो पहले सबसे जाके उसको ग्लोबली यहाँ पर डिक्लेयर करेगी और फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू असाइन होगी सो दिस इज़ द वे हाउ जावर स्क्रिप्ट वर्क लाइक अब क्या हुआ ना जो मेरा फूड था जो मेरा प्रीवियस कोड था उसको जावास्क्रिप्ट ने क्या किया uh, जो वेरिएबल था मेरा वेर कीवर्ड से उसको ग्लोबल लेवल पर डिफ़ाइन किया और वो मेरा ग्लोबली एक्सेसिबल हो गया और इस स्टेटमेंट के अंदर केवल उसकी वैल्यू असाइन हुई वैल्यू उसको मिली कि इसकी वैल्यू पी है इसलिए मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ सो बेसिकली वेर जो कीवर्ड है हमारा ये वेयर कीवर्ड जो है हमारा वो बेसिकली इसी पे हमारा काम करता है कि उसकी होइ इस जो ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको कहते हैं हम होइस्टिंग इसके बारे में हम लेटर ऑन एडवांस जावा स्क्रिप्ट प्ले में बात करेंगे कि होइस्टिंग क्या है सो अभी इसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का अभी यहाँ पे सीन केवल यही है कि जो वेयर टाइप के, के मेरे कीवर्ड होते हैं उनको जब स्क्रिप्ट ग्लोबली डिक्लेयर करता है देन आफ्टर हम उसको डिफ़ाइन कर पाते हैं लेकिन अगर मैं यहाँ डिफाइन करूँ लेड ड्रिंक्स इक्वल टू कोक तो मैंने आप डिफाइन कर दी लेट ड्रिंक्स इक्वल्स टू कोक और जैसा मैं बता चुका रहा हूँ लेट का जो स्कोप है वो केबल लेट का जो जो भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं वो स्कोप लेवल पे कर सकते हैं लाइक ब्लॉक लेवल पे तो ये इफ़ ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल है अगर मैं उसको यहाँ पर कंसोल कराने की कोशिश करूँ लाइक कंसोल ड्रिंक्स ड्रिंक्स को कंसोल कराया तो देख सकते हैं कई यहाँ पर हमको मिला एक एरर ड्रिंक्स इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि जावास्क्रिप्ट लेट टाइप के की को होस्ट नहीं करता है और वो उनको ग्लोबली डिफाइन नहीं करता है तो ये जो मेरा ड्रिंक्स है वो केवल एक्सेसिबल होगा मेरे इसी ब्लॉक के अंदर अब मैं कंसोल कर रहा कराऊँ तो मेरा वो कंसोल जो ब्लॉक लेवल कोड था उसके अंदर एग्जीक्यूट हो गया लेकिन बाहर मेरा एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि वो लेट टाइप का वेरिएबल uh, है सो so बेसिकली अब हम प्रेफर्ड लेट इसलिए करते हैं क्योंकि लेट का जो स्कोप होता है वो केवल बेसिकली ब्लॉक लेवल पर होता है और वेर का जो स्कोप होता है वो फंक्शनल लेवल पर होता है लाइक like, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अगर मैं इसको एक फंक्शन बना दूँ फंक्शन माई थिंग्स इस तरह से मैंने फंक्शन बना दिया और अब मैं अब अब क्या हुआ यहाँ पर मेरा जो फूड है फूड को मैं यहाँ से हटा कर अंदर ही डिफेंड करता हूँ इस बेसिकली मैथ के अंदर सो so, और मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ यहाँ पर मैंने कंसोल अब यहाँ भी बता है फूड इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड लाइक फूड को मैंने कंसोल कर रखा है लेकिन फूड का जो अब स्कोप है वो फंक्शनल लेवल ही होता है तो फंक्शन से वो बाहर नहीं जा सकता जावास्क्रिप्ट इसको फंक्शन के बाहर नहीं लेके आएगा बेसिकली और अगर मैंने किसी ब्लॉक के अंदर लिख रखा होता तो वो उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर देता अब तो मैं यहाँ पे इसको ले कर देता हूँ फूड दिस वीडियो माइट बी अ लिटिल कन्फ्यूजिंग बट या लाइक यहाँ पर यह फंक्शन था जिसको मैंने कभी कॉल नहीं किया लेकिन यहाँ जो मैं तीन कंसोल लगाए माई नेम इज़ दैट इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्लोबल लेवल तो मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ फूड और ड्रिंक्स जो हैं वो इस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है पूरे लेकिन स्कोप के अंदर डिफाइंड नहीं है अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा लाइक इसके बाद अगर मैं कॉल करूँ माई थिंग्स माई थिंग्स जो मैथड है उसको मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया और मैं सेव करूँ सो बेसिकली यहाँ पर ये कोड ब्रेक हो गया मुझे इससे पहले कॉल करना चाहिए तो बेसिकली यहाँ पर मैं जब माई थिंग्स करा तो माई थिंग्स कॉल हुआ उसके अंदर कोक और पिज्ज़ा दोनों ही बेसिकली मेरे कंसोल हो गया नेम कंसोल होगा हो गया लेकिन फूड और ड्रिंक्स कंसोल नहीं हुआ सो so बेसिकली अगर इस वीडियो का अगर मैं कॉन्क्लूज़न निकालूं तो कॉन्क्लूजन के अकॉर्डिंग क्या है हम अगर स्कोपिंग की बात कर रहे हैं तो जो लेट है हमारा वो ब्लॉक लेवल स्कोपिंग पे काम करता है तो लेट की जो स्कोपिंग होती है वो ब्लॉक लेवल होती है वेयर की जो स्कोपिंग स्कोपिंग होती है वो होती है मेरी फंक्शनल लेवल मतलब इस फंक्शन के अंदर फंक्शन से जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बाहर नहीं लेगी लेकिन अगर तुम तो किसी ब्लॉक के अंदर वेर की वर्ड से किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो वो उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर देती है जावास्क्रिप्ट और अगर मैं बात करूँ कॉन्स्ट की तो कॉन्स्ट का हमें बेसिकली क्लियर है ही कौंस्ट बेसिकली कुछ नहीं है कौन्स्ट हमारा आ, सेम काम करता है लेट की तरह बस उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स को वैल्यूज़ uh, को डिक्लेयर करने के लिए हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं सो so कई इस तरह से डिफाइन होती है स्कोपिंग इन जावा स्क्रिप्ट मे बी दिस वीडियो इज़ माइट बी अ लिटिल कन्फ्यूजिंग बट यू नीड टू लाइक इस वीडियो को अगर हम बार एक दो बार देखते हैं और uh, तो हमें क्लियर होंगी चीज़ें कि स्कोपिंग इन जावा स्क्रिप्ट कैसे काम करती है वेयर लेट कॉन्स्ट कैसे स्कोप्ड होते हैं इन जावस्क्रिप्ट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो का